जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा में। मैं हूं आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता और आज आप लोगों के लिए एक उपाय लेकर आई हूं। और ये हम लोग तो करते ही हैं, ये मेरी नानी ने बताया था। और टचवुड सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा है और आई होप सो कि आगे भी अच्छा ही होता रहेगा। मेरी नानी ने ये उपाय बताया था जब मैं छोटी थी कि बहुत अच्छा होता है ये चीज़ अगर आप करते हो तो। स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन आप कोई अच्छी चीज़ अपने घर में लेके आ रहे हो तो अच्छी वाइब्स आएंगी, साथ में भगवान की कृपा आएगी, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में? भगवान की कृपा चाहिए ना, उनकी कृपा है तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत होगा ही नहीं। तो जन्माष्टमी का इतना सुंदर पर्व है, इतना पवित्र पर्व है और बाल गोपाल की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो क्यों ना हम कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को ही अपने घर लेके आए। टॉपिक का यही है कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन जाइए मार्केट और लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप लेकर आइए। एक तो आपको ये करना है, ठीक है? आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेकंड, गाय आप जानते हैं ना, गाय और उसका जो बछड़ा होता है, एक स्टैचू आती है, मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, मंदिर में है मेरे, तो घर के मंदिर से लेकर ऐसे तो मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो हम पूजा करते हैं, हम बहुत सालों से पूजा करते आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि गाय के साथ बछड़े वाले जो एक मूर्ति होती है, एक स्टैचू होती है, वो भी आप एक लेके आइए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और साथ ही जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। वो रखना ही बहुत शुभ होता है घर में। बछड़ा जो साथ में बछड़ा होना चाहिए गाय के, वो रखना बहुत शुभ होता है। और कहते हैं कि उसको रखने से हर तरह से प्रॉब्लम्स जो आ रही होती है ना, नेसेसरी कितनी बार आ जाती हैं, वो नहीं आती। और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना गया है। तो मेरी नानी ने ये बताया था कि ये दो चीज़ें हमेशा हर किसी को करनी चाहिए। आप लोग भी कीजिए, हमारे यहाँ तो होता ही है और हमारे हैं भी स्थापित भगवान बाल गोपाल का और लड्डू गोपाल और साथ ही नंदी बछड़े के साथ जो है, तो वो बहुत अच्छा भी फीलिंग आती है। देखो ना आप, तो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। और आप लेके आइए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। घर में जो वास्तु दोष हैं, जो हम नहीं ठीक कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं हो पाता, कई बार होता ना घर में कुछ चीज़ें बनी होती है, नहीं ठीक कर पाते, तो उससे वो सारी वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स चली जाएगी। करके देखिए, हमारे हाथ में कर्म है, फल देने का काम भगवान का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सब अच्छे से रहें और स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राधे कृष्णा।